इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो जब से लॉन्च हुआ है और मैंने वीडियो पोस्ट किया है, सब कोई एक ही सवाल खाली पूछ रहा है कि ये दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस क्या क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 9 एंड इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है विद सम प्रॉपर डिटेल्स, क्योंकि दोनों डिवाइस मेरे पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फिनिक्स हॉट 9 एंड इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में टोटल तीन डिफरेंसेस है। फर्स्ट डिफरेंस इज द प्राइस। हॉट 9 का प्राइस है 8,499 रुपीज, जो 8 तारीख से फ्लिपकार्ट में मिलेगा। दूसरा है हॉट 9 प्रो, जिसका प्राइस है 9,499 रुपीज, जो भी फ्लिपकार्ट में मिलेगा 5 तारीख से। दोनों ही सेल है दोपहर को 12 बजे से। मैंने इन्फिनिक्स वालों से बात किया था ड्यू टू जीएसटी, उसके वजह से अभी जीएसटी जैसे 18% हो गया, उसके वजह से फोन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, नहीं तो ये फोन और भी कम प्राइस में लॉन्च होने वाला था। और भी बाकी बहुत सारे रीजंस है प्राइस बढ़ने के पीछे। अभी बात करते हैं दूसरा डिफरेंस, वो है आपका कैमरा। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, बाकी तीन जो सेंसर है डेप्थ, मैक्रो और लो लाइट, तीनों ही सेम है। सेम थिंग गोप्स टू इन्फिनिक्स हॉट 9 ऑल्सो, जहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, उसके बाद जो तीन सेंसर है वो भी सेम है डेप्थ, मैक्रो एंड आपका लो लाइट। ये सेकेंड डिफरेंस है 48 एंड 13 मेगापिक्सल। थर्ड डिफरेंस क्या है फ्लैश में। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में आपको मिलता है 4 फ्लैश, इट मीन्स क्वाड फ्लैश, और हॉट 9 में आपको मिलता है ट्रिपल फ्लैश। तो यहाँ पर अंधेरे में अगर आप फोटो उठाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर में आएगा। एक चीज मैं आपको बता, तो ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ये पिक्सल बेनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, मतलब बाई डिफॉल्ट आपको 12 मेगापिक्सल मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक ऑप्शन के द्वारा 48 मेगापिक्सल को आप इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद आप 48 मेगापिक्सल शॉट उठा सकते हैं। दोनों का कैमरा यूआई लगभग सेम है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज्यादा मतलब कुछ भी अंतर नहीं है, एक्सेप्ट इन्फिनिक्स हॉट 9 के ऊपर आपको 48 मेगापिक्सल का अलग से एक ऑप्शन मिलता है और हॉट 9 में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी दोनों डिवाइस एग्जैक्टली सेम है, लुक एंड फील वाइज, फॉर्म फैक्टर वाइज, इंटरनल एक्सटर्नल, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अभी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं, तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैमरा में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हालांकि ये काफी कम टाइम है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और ये दोनों का डिजिटल कैमरा रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसके लिए डेफिनेटली आप डेटा डॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अभी जो आप सैंपल देख पा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो से लिया गया, जो है आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, और यहां पर 8,000x6,000 का पिक्सल्स है। उसके बाद इसका साइज है 15.5 MB, फोटो काफी अच्छा है, काफी क्रिस्प भी है, काफी शार्प भी है, और शटर स्पीड भी काफी फास्ट है। दूसरा और एक मैं आपको एग्जांपल दिखा था, व्हिच इज हॉट 9 प्रो का 12 मेगापिक्सल, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेजोल्यूशन है 3968x2976, इसका साइज है 4.5 MB। तब आप देख सकते हो 15 MB एंड 4.5 MB कितना डिफरेंस होता है 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में। हालांकि फोटो में उतना ज्यादा खाली आंख से देखने से आपको डिफरेंसेस नहीं नजर में आएगा। नेक्स्ट, अभी जो फोटो आप देख पा रहे हो वो हॉट 9 का फोटो है, जो 13 मेगापिक्सल से लिया गया, जिसका रेजोल्यूशन है 4160x3120, जिसका साइज है 3 MB। ये फोटो भी काफी अच्छा आया है। तो ओवरऑल खाली से देखने से तीनों फोटो में ज्यादा डिफरेंस आपको नजर में नहीं आएगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं डिफरेंस आपको कब नजर में आएगा। अभी जो फोटो देख पा रहे हो हॉट 9 प्रो के 48 मेगापिक्सल कैमरा से लिया गया है। अभी ये जो खुद का मैं जो कैमरा इस्तेमाल करता हूँ विच इज कैनन M50, तो उसका ही आपका फोटो है, जैसे आप देख पा रहे हो काफी शार्प और डिटेल्स है, साइड में आप हर एक फोटो का डिटेल्स भी देख पाएंगे। जूम करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो कितना क्लियर डिटेल्स देखने में लग रहा है, तो नो डाउट काफी क्लियर फोटो आया 48 मेगापिक्सल में। और एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं 48 मेगापिक्सल, ये फोटो भी काफी बढ़िया है, और अगर मैं जूम करके दिखा तो जूम करने के बाद भी जैसे आप देख पा रहे हो कितना डिटेल फोटो आया है, नो डाउट लाइटिंग कंडीशन भी इसका काफी अच्छा था जब मैंने फोटो उठाया है। तो अभी आप पता चल गया 48 मेगापिक्सल कैन कैप्चर सम शार्प एंड डिटेल फोटो, लेकिन हाँ साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं सेम हॉट 9 प्रो का जो बाई डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल सेंसर है उससे मैं आपको फोटो उठा के दिखाता हूँ। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये 12 मेगापिक्सल से लिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हो फोटो काफी क्लियर आया। अभी मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद जैसे आप देख पाओगे ये जो पंखुड़ी है ये थोड़ा क्लियर है, लेकिन बीच का पोर्शन थोड़ा सा ब्लर्ड है, मतलब उतना क्लियर नहीं आया। इसका मतलब ये नो डाउट 12 मेगापिक्सल है, तो 48 मेगापिक्सल के जैसा है जो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है उतना क्लियर तो फोटो आपको उठा के नहीं दे सकता। अगर उतना शार्प चाहिए तब आपको 48 मेगापिक्सल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आप देख पा रहे हो ये एग्जांपल है, फोटो काफी बढ़िया है, ये फोटो मुझे काफी पसंद भी है, मेरे घर के पीछे का ये हिस्सा है।
और मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो जूम करने के बाद भी ये वाला फोटो उतना नहीं बटा, तो पहले फोटो से ये वाला फोटो थोड़ा सा बेटर आया है जी। ये थोड़ा इनकंसिस्टेंसी मिलता है हर एक कैमरा में आजकल, पहला वाला फोटो जूम करने के बाद उतना क्लियर नहीं आया था, लेकिन ये वाला फोटो मुझे लगता है काफी अच्छा है। तो यहाँ पर 12 मेगापिक्सल भी काफी अच्छा फोटो आपको उठा के देता है। अभी बात करते हैं हॉट 9 के बारे में। हॉट 9 से ये वाला फोटो मैंने लिया था 13 मेगापिक्सल में, जैसे आप देख पा रहे हो ये फोटो बहुत बढ़िया आया है। जूम करने के बाद भी जैसे आप देख पा रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर ये फोटो आया है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा दूं, दिस इज द सेकंड एग्जांपल जो मैंने हॉट 9 से लिया है विद 13 मेगापिक्सल कैमरा। एज यू कैन सी फोटो कम्स आउट रियली वेल, कलर काफी नेचुरल है, यहाँ पर ओवर सैचुरेटेड नहीं है, इवन जूम करने के बाद भी आप वेल डिटेल के साथ फोटो उठा देख पाएंगे। अभी मैं आपको कंक्लूशन में आता हूँ, अगर दो डिवाइस में कंपेयर किया जाए मुझे लगता है इन्फिनिक्स हॉट 9 का जो प्राइमरी 13 मेगापिक्सल कैमरा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, उसका फोटो क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छा लगा है। जहाँ पर हॉट 9 प्रो का सवाल है, नो डाउट 48 मेगापिक्सल कैमरा कैन कैप्चर सम स्टनिंग शॉट और काफी डिटेल के साथ ये फोटो उठाता है, लेकिन फोटो काफी बड़ा हो जाता है और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। बाय डिफॉल्ट जो 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है मुझे लगता है उसमें डिटेल में थोड़ा सा कमी मुझे लगा है, आई थिंक 48 मेगापिक्सल में बेटर है। और आप मुझे अगर कंपेयर करने बोले 12 मेगापिक्सल ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो और 13 मेगापिक्सल ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 9, मैं बोलूंगा इन्फिनिक्स हॉट 9 में 13 मेगापिक्सल फोटो थोड़ा सा बेटर आया है, हालांकि दोनों का सेंसर अलग है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, इसको मैं और भी टेस्ट करूंगा। डिटेल कैमरा रिव्यू मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फॉर द टाइमिंग आप लोगों के मन में जो सवाल था कि इन्फिनिक्स हॉट 9 एंड हॉट 9 प्रो में क्या डिफरेंस है, दिस आर द डिफरेंसेस जो आपको मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 9 एंड हॉट 9 प्रो में। राइट नाउ इट्स टोटली योर डिसीजन आप कौन सा चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा चैनल फॉलो करते रहिए, इस डिवाइस रिलेटेड बाकी सभी वीडियोस देखिए, जांचिए पढ़िए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आपको ये वाला भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ देखन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज instagram.jadoff15। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम जेडऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।